पंजाब में तख्ता पलट की तस्वीर ने राजस्थान की सियासी तासीर को बेइंतहा गर्म कर दिया है। दिलचस्प यह है कि सियासी तपिश की चपेट में सूबे के सभी कद्दावर नेता शुमार हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब तो सुलझ गया, लेकिन अब बारी राजस्थान की है। यह खबर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ऐसे धमाचौकड़ी मचा रही है मानो कोई बड़े फेरबदल की व्यू रचना रची जा रही हो। लेकिन इसी बीच एक खबर ने भी जोर पकड़ लिया कि आलाकमान ने डॉक्टर सीपी जोशी को दिल्ली बुलाया है। अफवाह यह भी उड़ी कि पायलट गहलोत के झगड़े में सीपी जोशी की लॉटरी लग सकती है, जैसे पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में चन्नी की चवन्नी दिल्ली तक चल गई। खैर, जब हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से पता किया तो मालूम चला कि डॉक्टर सीपी जोशी जयपुर ही हैं और उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई और ना ही वो दिल्ली गए। लेकिन इसी बीच एक पुख्ता खबर यह भी है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच दिल्ली में गहन मंत्रणा हुई है और यह मंत्रणा करीब 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। पायलट की ना सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात हुई बल्कि प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की खबरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर जब चारों तरफ बवंडर मचा हो तो ऐसे वक्त में आलाकमान से पायलट की मुलाकात कहीं से लेकर कहीं तक सामान्य तो नहीं कही जा सकती। खैर, दिल्ली के सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आखिरकार अंतिम मुहर लग चुकी है। नवरात्र से पहले कभी भी ये खबर दस्तक दे सकती है। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी लगभग सूची तैयार कर ली गई है। कुल मिलाकर पंजाब में आलाकमान के प्रदर्शन ने यह बता दिया है कि अब कड़े फैसले के लिए दिल्ली दरबार तैयार बैठी है और आगामी समय में कई बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं, फिर चाहे राजस्थान को लेकर हो या छत्तीसगढ़ को। खैर, चलते चलते उस बवंडर से भी आपको वाकिफ करा दें जो गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के ट्वीट से मचा, जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। इस ट्वीट ने इतना बवंडर मचाया कि लोकेश शर्मा को इस्तीफा तक देना पड़ गया। खैर, ये कांग्रेस की सियासत है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।